भारत एक्सप्रेस देश की सेवा में लगेगी, वंदे भारत एक्सप्रेस देश की शान बनेगी, वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्ण रूप से भारत में बनाई गई, डिजाइन की गई, हमारे भारत के इंजीनियरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। आ रही है भारत की सबसे फास्ट ट्रेन, भारत की सेमी बुलेट ट्रेन T18 को मिला नया नाम। भारत में पहली बार बनाई गई बिना इंजन की ट्रेन और भारत की सेमी बुलेट ट्रेन कही जाने वाली T18 को अब नया नाम मिल गया है। T18 को वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। इस बात की घोषणा खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की है। चेन्नई की इंटरगल कोच फैक्ट्री में बनाई गई ये ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जानी है। इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि ये ट्रेन कब चलाई जाएगी इसकी घोषणा होनी अभी बाकी है। उधर राजधानी दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने T18 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आम जनता की तरफ से इस ट्रेन के कई नाम सुझाए गए थे। हमने इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखने का फैसला किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ये लोगों के लिए गिफ्ट है। हमने प्रधानमंत्री से इस ट्रेन का फ्लैग ऑफ करने का निवेदन किया है। भारत एक्सप्रेस देश की सेवा में लगेगी, वंदे भारत एक्सप्रेस देश की शान बनेगी, वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्ण रूप से भारत में बनाई गई, डिजाइन की गई, हमारे भारत के इंजीनियरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, हमारे भारत के रेल कर्मचारियों ने इसको इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया और ये वंदनीय उपलब्धता को हम वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से दिल्ली से बनारस तक चलाएंगे। मात्र 18 महीने में इस ट्रेन के डिजाइन से लेके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट तक, उसमें डेवलप करना, कॉन्सेप्ट बनाना, पुर्जे ऑर्डर करना, पुर्जों का भी डिजाइन करना, पूरी ट्रेन बनाना, ये अपने आप में शायद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि 18 महीने में पूरी ट्रेन तैयार की गई। देश में मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई T18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस 18 महीनों की अवधि के दौरान चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाई गई है। इस ट्रेन के सभी स्पीड ट्रायल हो चुके हैं। इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दिल्ली से आगरा के बीच में CCRS की मौजूदगी में चलाकर देखा गया था। उसके बाद 25 जनवरी को इस ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाने के लिए CCRS ने सेफ्टी सर्टिफिकेट दे दिया है। दिल्ली से बनारस तक का सफर जो आज के दिन लगभग 11.5-12 घंटे में होता है, ये मात्र 8 घंटे में करेगी और कानपुर और इलाहाबाद रुकते हुए दिल्ली से बनारस पहुंचेगी। 16 कोचेज होंगे इसमें, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव कार, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 14 चेयर कार, इस प्रकार से 16 कोच की ये ट्रेन होगी। और बहुत ही इसमें सुरक्षा के हिसाब से सेफ्टी अच्छी रहे, एयर सस्पेंशन अच्छा रहे, जिससे सुगम यात्रा हो लोगों की, एयर कंडीशनड है पूरी ट्रेन, सभी ट्रेन जुड़ी हुई है, आप शुरू से लेकर आखिरी तक इसमें अंदर जा सकते हैं, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जा सकते हैं, सभी दरवाजे बंद होंगे, उसके बाद ही ट्रेन चलेगी, सेंट्रली कंट्रोल्ड है। 16 डिब्बों की ये ट्रेन एरोडायनामिक्स के हिसाब से डिजाइन की गई है। इसमें शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। पूरी की पूरी ट्रेन ऑटोमेटिक दरवाजों से सुसज्जित है। इस ट्रेन में दिव्यांगों के लिए खास तरीके के टॉयलेट हैं। इस ट्रेन में बाकी ट्रेनों की तरह अलग से इंजन नहीं लगाया जाता है, बल्कि हर डिब्बे के नीचे मोटर लगी हुई है जिससे ट्रेन चलाई जाती है। ट्रेन के दोनों हिस्सों पर ड्राइवर केबिन है, लिहाजा इस ट्रेन को बार बार शटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट्स है। इसके अंदर कुर्सियां खास तरीके से डिजाइन की गई है, जिससे इनको जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हो उस डायरेक्शन की तरफ मोड़ा जा सकता है। पूरी ट्रेन में LED लाइटिंग है और अंदर के साथ साथ ट्रेन को बाहर से भी खूबसूरत लुक दिया गया है।
अब बस भारत में लोगों का इंतजार है इस ट्रेन के उद्घाटन का, जब लोग इसमें सवारी कर इस ट्रेन का आनंद उठा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।